इंडिया क्राइम न्यूज़, मैं हां नरेंद्र कौर परेवाल, मेरे नाल ने क्राइम ब्यूरो चीफ पंजाब रिंकू राजा। अज पूरे पंजाब विच ही नहीं सगो पूरे भारत विच अन्नदाता किसानां नूं अपने हकां लई जां तां दर दर दे धक्के खाने पैंदे हन जां फिर धरने लगाउणे पैंदे हन। इत्थों तक कि कर्जे दे सताए किसान आत्म हत्या तक कर लैंदे हन। इसे तरह की एक खबर पिंड उद्दू नंगल जिला अमृतसर तों नशर करन जा रहे हां, जिथे बुजुर्ग किसान कश्मीर सिंह सन ऑफ बेअंत सिंह उमर 76 साल ने दसिया कि उस कोल 2 एकड़ तो भी घट जमीन है, पर प्रशासन अधिकारियों की गलती कारण एक तो उसकी जमीन 45 कनाल लिख दी गई है, दूजी उसके आधार कार्ड नाल 2 खाते लिंक कर दिए गए हैं, एक उसका अपना ते दूजा अवतार सिंह रूढ़ सिंह नाम का कोई, जिसके कारण हुण तक उसनू कर्जा माफ़ी दे लाभ नहीं मिल सकिया। इसलिए वह जगह जगह दफ्तर के चक्कर कट रहा है 2018 तो, पर अज तक कोई भी हल नहीं निकलिया। इतने बुजुर्ग किसान ने यह भी कहा कि पिंड के सैकटरी बलविंदर सिंह ने उस को 50,000 रुपए की मंग की है कम करवाने। इतने बुजुर्ग किसान ने AR का भी नाम लिया, इतों तक कि उसने कहा कि AR ने वादा किया कि इसका हल कढ़िया जाएगा, पर हजे तक मेरी इस मुश्किल का हल नहीं निकलिया। उधर जो असी AR गौतम धारोवाली और सैकटरी बलविंदर सिंह उद्दू नंगल नाल पक्ष जानने लई फोन पर गल की, तो उन्होंने दोनों ने अपने पक्ष विच की कुछ किया, आओ सुनते हैं उन्होंने दोनों की जबानी। हालांकि इन सारिया गलों की साडा चैनल इंडिया क्राइम न्यूज़ कोई पुष्टि नहीं करता, ये इन दोवे धिर के अपने विचार हो सकते हैं। देखते रहो चैनल इंडिया क्राइम न्यूज़। हाँ जी, की नाम जी पापा जी अपना? मेरा नाम कश्मीर सिंह सन ऑफ बेअंत सिंह। कितों के रहने वाले? पिंड उद्दू नंगल तहसील बाबा बकाला जिला अमृतसर। की मसला की है जिस बारे तुसी अज गल कर रहे हो? मेरा मसला यह है कि मेरा कर्जा माफ़ी का सीगा, मेरी 2 एकड़ तो जमीन घट सी, मैं उद्दू नंगल खाद वाली सोसायटी का मैंबर हाँ, तो मेरा 1 लाख करीब 12,000 कर्जा सीगा जो माफ़ नहीं होया। कैप्टन साहब ने कहा है कि 2 एकड़ तो घट वाले जिम्मेदारा का जरा कर्जा माफ़ होगा, पर मैं डीकता रहा मेरा कर्जा माफ़ नहीं होया। तो मैं 18 अगस्त सोसायटी से जाके पता किया भी शक्ति को मेरा कर्जा क्यों नहीं माफ़ होया। वो उसने कहा कि ताडा जरा ना कर्जा माफ़ हो जूगा कोई गल नहीं, हो जाना। मैं क्या भी नहीं तू मैनू दस, वो आता भी कोई ना कोई सेवा पानी करो साडा तो कर्जा माफ़ हो जाए। तो मैं क्या मेरी जमीन किन्नी है इतने, उन्हें जदों पेपर काट के दिखाया तो आता माल महकमे ने 45 कनाल रकबा भेजा आ। मैं वो लिस्ट रकबा लैके तो बाबे बकाले तहसील से गया, उतों अपनी फर्द कढ़ाई, फर्द कढ़ा के तो जदों SDM ने दिती, तो SDM ने तहसीलदार को मार की, तहसीलदार ने पटवारी को मार की, पटवारी ने जरा सी मेरा क जरा है सी जमीन की फर्द है वो 14 कनाल 7 मरले जरा सी रकबा कटिया। फिर वो बाद फाइल जी सारी तैयार करके AR ने दफ्तर की दी, वो दफ्तर दे के तो चले गया। 6 महीने बाद फिर पता किया तो उत्तर कोई फाइल नहीं, उस तो बाद फिर कुछ चिर बाद पता किया तो मेरी फाइल है नहीं। फिर दोबारा मैं जाके कंप्यूटर रूम च गया ASM के दफ्तर, उन्होंने दसिया कि ताड़ी फाइल नहीं इतने आई। उन्हें मेरा आधार कार्ड लैके इतने मेरी फाइल वेखन की कोशिश की, जिथे उन्हें मैं वेख के दसिया कि ताड़े आधार कार्ड ना 2 खाते लिंक ने। मैं क्या भी मेरा तो 1 खाता आ। तो उस तो बाद फिर मैं बार बार चक्कर करता रहा, मेरी 76 साल की उम्र हो गई आ, कभी बाबे बकाले कभी बैंक च कभी SDM के दफ्तर। फिर मैं बैंक मैनू लिख के दिता
कि मेरा जरा उ आधार कार्ड ना एक ही खाता लिख गया, दूसरा खाता जरा अवतार सिंह सन और गुर सिंह के नाँ से लिख गया। मैं वो फिर जाके तो उ एएसएम रूम च दिखाया, वो आखन लगे भी यह साडा कम नहीं गा, उन्हें आख्या भी ए आर दे ने यह ठीक करवाना है। पूछा वो कहते भी मैं ठीक करा दिना, जिते उन्होंने सैकटरी तो अपना हरदेव सिंह कलर्क सीगा ए आर दे दफ्तर, उन्होंने बुला के आख्या कि ये इन्हों की फाइल लियाओ तो इन जरा ठीक कराओ। ये गल तुहानू किन्ना ने कही कि तुहानू ये हरदेव सिंह कलर्क जो ए आर दे दफ्तर है उसने कहा भी तुम सोसायटी का कर्जा रहन दो, पी एन बी की लिमिट चो माफ करा लो। मैं क्या ठीक है, मैं पी एन बी बैंक चो अपना सारा रिकॉर्ड लैके फिर उ फाइल तैयार करके फिर उत्ती दे के फिर मैं आ गया। फिर वो हरदेव सिंह कह लगा ये बाबे बकाले जानी आ, दो चार महीने बाद फिर पता किया तो वो पोते दी पोते ही। हुण मैं फिर बाद च हुण एस डी एम नूं एप्लीकेशन दी जिस लिखा कि मेरा कर्जा ही तो मेरे जेडे आधार कार्ड नाल दो खाते लिंक ने वो ठीक नहीं हो रहे। एस डी एम ने एएसएम नूं मार की, एएसएम ने वो फाइल लै ली तो फिर कुछ दिन बाद मैं पता किया एएसएम को, तो उन्हें आख्या कि ये ए आर ने ठीक करवाना है। ए आर नाल फोन ते उन्हें लिंक किया जिते फिर ए आर ने कहा कि मैं ठीक करा देना है, पर ठीक कराने की बजाय मैं हफ्ता भर फोन करता रहा ए आर नूं रोज भी कितने आ कितना आ, वो आखन लगे पहला पे एक दिन बैंक की हड़ताल है, फिर मुड़ के पता किया फोन करा दें। तो हूँ लास्ट में उन्होंने ए आर ने कहा कि ताडा पोर्टल जोड़ा वो खुलूगा तो फिर ये सब तो वड्डा रोल जोड़ा है साढ़े पिंड का जो सैकटरी है ना खाद वाला सैकटरी की नाम है बापा जी बलविंदर सिंह, वो ही खराब कर रहा है। उन्होंने मैं कई बार आख्या भी मेरा आधार कार्ड हटा, पर यार ने भी कई बार उन्होंने उसको कहा भी तू ये ठीक करा दे, पर वो ठीक नहीं करा रहा, वो पैसे मंगी जा रहा है। वो सब तो पहले उन्हें पैसे मंगे से 50,000 रुपया, जो मैं आख्या भी तुम माफ़ करा दो कर्जा फिर मैं तुम दे दूँगा, पर नहीं वो ए आर के कहते भी ज किसी के भी कहते उन्हें किसी की नहीं सुनी, तो अजे तक मेरा इस तरह जोड़ा है। हम तुम की चाहते हो? हूँ मैं चाहना कि मेरा इंसाफ किया जाए, मेरे आधार कार्ड नाल जोड़ा खाता जोड़ा है एक दूसरा किसी का जोड़ा वो हटाया जाए, जो अवतार सिंह सन रूप सिंह का है ना उसमें हटाया जाए, ता कि जो बिग फार्म बनाया फार्मर बनाया वो ही मेरा रकबा जोड़ा वो ठीक किया जाए। मैं मीडिया का हो सारे अफसर का बहुत बहुत धन्यवादी होवगा जो मेरा यह सारा काम हो। हेलो सत्या जी, सर ए आर गौतम धारोवाली जी बोल रहे हो? हाँ जी हाँ जी जी। सर नरेंद्र पुरेवाल बोल रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज चैनल तो पंजाब इंचार्ज। जी जी जी। सर बेनती है कि सर रिकॉर्डिंग चालू है थोड़े वशन ने, ठीक है जी। एक पिंड उदो नंगल तो ने सरदार कश्मीर सिंह जी। जी जी जी। सर उन्हां दी पैड़ी दा उन्हां दा कर्जा माफी नूं लै के उन्हां दा कोई जिहड़ा चलदा पिया मसला जिहड़ा मैडम ओह इशू दस्सा जी सीगा, इह जदों कर्जा माफी दा चलिया ना इन्हां ने मेरे तों पहलां दी गल है जी, जदों मैं इत्थे पोस्टेड नहीं सीगा जी, इन्हां दे जदों पोर्टल ते चढ़िया ना ते इन्हां दे दो खाते चढ़ गए उन्हां को जिहड़े पोर्टल ते चढ़ांदे सी ना। हांजी। इक खाता इन्हां दा वा जी, इक किसी दा इन्हां दे आधार कार्ड ते अटैच सीगा जी, उस करके जो इन्हों की माफी का हुंदा ना मारदे आ पोर्टल ते क्लिक उदो इन्हों दे दो खाते हो जाते शुरू जी, शो हो जाते बैंक च कहा वा पोर्टल शुरू हुंदा ना ते उन्हां नूं मैं कहा इन्हों का आधार कार्ड लैके जिहड़ा इन्हों दे गलत चढ़िया दा वा ना खाता जी उन्हों रिमूव करो। सर एक छोटा जा क्वेश्चन है, ये डिपार्टमेंट दा ही काम है, उन्हां दे उन्हां दी गलती है ते ये बेचारे काफी देर तो इधर उधर पता। मेरी कल परसों भी इन्हां नाल गल हुई सी जी, ये आ बैंकिंग दा काम जी, साडे कोल सोसाइटियां जी, फिर भी मैं आउट ऑफ द वे जाके कि ये बिल्कुल ठीक बंदे इन्हां दा केस जायज आ, फिर भी मैं इन्हां दी मदद कर रहा वा कि इन्हां दी ये हो जाए काम हो जाए। ठीक है सर, ठीक है।
हेलो सर, बलविंदर सिंह जी सेक्रेटरी साहब उधर सर, मैं नरेंद्र कौर पुरेवाल इंडिया क्राइम न्यूज चैनल तो पंजाब ब्यूरो चीफ। ठीक है ठीक है जी, वर्जन दे दो, असि तुहाडा वी पक्ष जानना चाहुंदे आ। अच्छा बेनती है जी, इन्हां दिन पोर्टल ते जिहड़ी पोर्ट पाई सी हुंदी सीगी वी मतलब जिहड़ियां दो ढाईआं किलिआं तों बाद ओहदी हैगी आ 2 लाख दा कर्जा माफ होना चाहिदा। इन्हां दी पोर्ट च पाई ज्यादा सी ते इन्हां लिमिट बनाई सी ते सगी दा कर्जा पहिलां होया ना, ते साडे कोल आए ते इहनूं दस्सिआ वी साडी पोर्ट ते पैरी ज्यादा वा, इन्हां फिर नंबर लिया के दिते सानूं, असीं उत्थे फिर कार्रवाई करके सारी करके ते इन्हां दे केस बना के आप एग्रीकल्चर आल करके ते तैयार करके ते दफ्तर की आदा से बाबूवाला सीएम नूं भेज दित्ते आ। सर इतना इन्होंने थोड़े ते यह इल्जाम लाया कि तुसी इन्हां कोलों 50,000 रुपए की डिमांड की थी, वाहिगुरु वाहिगुरु जी। गल एक किसे बंदा कहे तो तुसी स्पैटी कनक चढ़ते पुछ लो देखो, मतलब फाइल बन के चल गया, हुण जो गवर्नमेंट ने पाते ना पैसे फिर माफी होनी है क्योंकि फाइल बन के चल गई है। सर सर एक जरा इन्हों का आधार खाते आधार कार्ड के खाते दो लिंक दो लिंक उन्होंने की किया जाए। देखो जी वो जी गल सैकटरी की जिम्मेवारी नहीं, असि बना के दिता कले कले का बना के दिता, वो जो कि पोर्टल से पाए बैंक ने पाए एस डी एम दफ्तर ने पाया तो उन्होंने मिस्टेक हुई है, उस तो बाद ठीक करा दी इन्होंने सारी सुविधा। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू जी। गल इंडिया क्राइम न्यूज, जुल्म के खिलाफ जंग, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज।